कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद एवं विधायक सुंदरलाल तिवारी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके आकस्मिक निधन के बाद पूरी पार्टी में मातम पसरा हुआ है। संजय गांधी अस्पताल के CMO डॉक्टर रत्नेश त्रिपाठी ने उनके निधन की आधिकारिक पुष्टि की। जनता के बीच में जो कहते थे हमेशा स्पष्ट बातें कहते थे, इसकी उनकी आदत रही और हमेशा जनता के लिए सक्रियता से वो काम करते रहे, उनकी समस्याओं के लिए लड़ते संघर्ष करते रहे। विधानसभा लोकसभा में भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा। हर मुद्दे को जो जनता से जुड़े हुए थे मुद्दे को उन्होंने समय समय पर उठाया। निश्चित रूप से उनके निधन से अपूर्ण क्षति हुई है और उसकी भरपाई होना जल्दी संभव नहीं है। सुंदरलाल तिवारी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दिवंगत श्रीनिवास तिवारी के बेटे थे। उन्होंने रीवा संसदीय क्षेत्र का लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया था। वे रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर विधायक भी चुने गए थे। उनके परिवार में पत्नी रश्मि और एक पुत्र सिद्धार्थ तथा पुत्री तनुप्रिया है। कांग्रेस पार्टी के जिंदगी के वरिष्ठ नेताओं में से एक आदरणीय सुंदरलाल तिवारी जी थे। निश्चित रूप से दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा धक्का लगा है। श्री त्रिपाठी को घर पर दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस परिवार को विंध्य की राजनीति में खासा प्रभावी माना जाता है। सुंदरलाल तिवारी रीवा सीट से सांसद और गुड़ विधानसभा से विधायक रह चुके थे। रीवा सीट से उन्होंने 1999 में चुनाव जीता था। उनके निधन पर मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने शोक प्रकट किया। रिपोर्ट टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।